अब भारत में कब दिखाई देगा ईद का चांद, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया छौड़, आप देख रहे हैं यूए खबर। देखिए, भारत समेत पूरी दुनिया में ईद की तैयारियां की जा रही है। लोग ईद के चांद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस्लामिक कैलेंडर में रमजान साल का 9वां महीना है और 10वां महीना शव्वाल है। इसी महीने के पहले दिन को ईद मनाया जाता है। इस बीच आज सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नहीं देखा गया। इसका अर्थ है कि इस वर्ष रमजान 30 दिनों तक चलेगा। ऐसे में ईद बुधवार 10 अप्रैल को पड़ेगा। देखिए, ईद के त्यौहार को रमजान के पाक महीने में किए जाने वाले रोजे के अंत का प्रतीक भी माना जाता है। बता दें, भारत में अगर 9 अप्रैल की शाम को शव्वाल का चांद दिखता है तो ईद अगले दिन यानी कि 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। अगर 9 अप्रैल को चांद नहीं दिखता है तो 10 अप्रैल को भारत समेत लगभग सभी दक्षिण एशियाई देशों में मुसलमान रोजा रखेंगे। इसके बाद 10 अप्रैल की शाम को फिर से शव्वाल का चांद जो है उसका दीदार करने का प्रयास किया जाएगा। अगर चांद दिख जाता है तो भारत में 11 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। बता दें, रमजान के पवित्र महीने में इस्लाम को मानने वाले लोग सूरज निकलने से लेकर सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं। इस दौरान वे ना कुछ खाते हैं और ना ही पानी पीते हैं। रमजान के दौरान कई धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। भारत में भी रमजान के दौरान इफ्तार को लेकर विशेष आयोजन किए जाते हैं। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होते हैं। देखिए, पहले कहा गया था कि अगर 8 अप्रैल सोमवार की शाम को शव्वाल का चांद दिखता है तो अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी, लेकिन सोमवार को सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नहीं दिखाई दिया। ऐसे में ईद अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल मंगलवार को मनाई जाएगी। वहीं बता दें, 10 अप्रैल को ईद न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, मिस्र, तुर्की, ईरान, यूनाइटेड किंगडम और मध्य पूर्व और पश्चिम के अन्य देशों में भी मनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि ईद जो है वो कल है सभी देशों में। वही दक्षिण एशियाई देशों में जो है ईद 11 तारीख को मनाई जाएगी। भारत में ईद जो है वो 11 तारीख को मनाई जाएगी। ऐसे में सभी लोगों को हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। वही आपको बता दें कि यूएई में कई आयोजन किए गए हैं ईद के मौके पर। जैसे आपको फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे जब ईद की घोषणा की जाएगी, और कैनन्स रखे गए हैं, 7 कैनन रखे गए हैं अलग अलग जगहों पर जो कि ईद की घोषणा करते समय शूट किए जाएंगे कि ईद का चांद दिख गया है। बता दें, आज फिर से प्रोसेस दोहराया जाएगा, यूएई में हो गया या फिर सऊदी में हो गया वहाँ पर, और उसके बाद आज आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी और चांद देखने के बाद उसके बाद कल जो है वो ईद मनाई जाएगी। वहीं भारत में हमेशा सऊदी के बाद यानी कि एक दिन बाद ईद मनाई जाती है, तो इसीलिए सऊदी में 11 तारीख को ईद मनेगा। जहां पर भारत में भी लोग बड़े पैमाने पर ईद का सेलिब्रेशन करते हैं, वहीं यूएई में भी कई सारे इवेंट्स होने वाले हैं, सऊदी में कई सारे इवेंट्स होने वाले हैं जो कि फ्री हैं, आप वहां जाकर भी अपना ईद मना सकते हैं। वहीं जो यूएई में कामगार हैं उन लोगों को 9 दिनों की छुट्टी हुई है। वहीं जो भी सऊदी में काम करते हैं उन लोगों को महज 4 दिन की छुट्टी मिली है, तो ऐसे में जितने भी कामगार हैं वो अपनी छुट्टियाँ इंजॉय कर सकते हैं। शारजाह में आवासीय इमारत में लगी आग, 5 लोगों की दम घुटने से हो गई मौत जबकि 44 लोग हुए हैं घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। देखिए, शारजाह में एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि शारजाह की एक आवासीय इमारत में आग लग गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 44 लोग घायल हो गए हैं। शारजाह के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि गुरुवार रात करीब 9:30 बजे अल नहदा में एक ऊंची आवासीय इमारत में आग लगने के बाद धुएं से दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 को हल्की चोटें आई हैं और 27 को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने कहा है कि 17 लोगों को तत्काल चिकित्सा देखभाल दी गई है। प्राधिकरण ने कहा है कि 156 निवासियों को आश्रय दिया गया है जिसमें 18 बच्चे शामिल हैं। प्राधिकरण को रात 10:50 पर एक कॉल मिली जिसमें इमरजेंसी रिएक्शन टीमों को तुरंत पड़ोस में भेजा गया और निवासियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया क्योंकि अग्निशामकों ने आग पर बाद में काबू पा लिया था। देखिए, जिस टावर में आग लगी उसमें 750 अपार्टमेंट सहित 39 मंजिलें हैं। प्राधिकरण ने पीड़ितों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। जो लोग घायल हुए हैं उनके प्रति उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। वहीं इसी से रिलेटेड बता दें कि शारजाह में एक और हादसा हुआ था और बेहद ही दुखद घटना ये थी कि वहाँ पर एक प्रवासी व्यक्ति
छत से गिर गया जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट के अनुसार वह एक अफ्रीकी व्यक्ति था जो आग से बचने की कोशिश कर रहा था। दरअसल रात को शारजहा में एक ऊंची आवासीय इमारत से उसने छलांग लगा दी जिससे मौके पर ही उसकी जान चली गई। बता दें कि यह आग अल नाहदा जिले में 38 मंजिला आवासीय टावर में आग लगने की बाद हुआ था। घटना रात 10 बजे रिपोर्ट मिलने पर शारजहा सिविल डिफेंस ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को कंट्रोल में लिया और निवासियों को सुरक्षित निकाल लिया। देखिए घटना की प्रारंभिक जांच से पता चला कि आग 18 और 26वीं मंजिल पर बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी थी। आग के चलते कई लोगों के दम घुटने के मामले भी सामने आए। अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की और कुशल प्रतिक्रियाओं के बावजूद दम घुटने के कुछ मामले दर्ज किए गए। निवासी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यूए में मुंबई की न्यूली मैरिड महिला की हुई मौत। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया झा और आप देख रहे हैं यूए खबर। देखिए यूएई में मुंबई की न्यूली मैरिड महिला की मौत हो गई है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात के शारजहा के अल नाहदा इलाके में गुरुवार रात एक आवासीय इमारत में भीषण आग लगने से कम 2 भारतीय नागरिक की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस दुखद आग की घटना में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है और 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हालांकि दुबई में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने कोई भी नुकसान की संख्या के बारे में दस्तावेजीकरण फिलहाल नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक मृत व्यक्ति की पहचान दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में DXB लाइव के साउंड इंजीनियर माइकल सत्यदास के रूप में की गई थी। देखिए उनके भाई के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार माइकल एक साउंड इंजीनियर थे जिन्होंने अपने पूरे करियर में ब्रूनो मार्स और SR रहमान जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के संगीत कार्यक्रमों में योगदान दिया था। अपने कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में DWTC में लिखा कि माइकल अपने असाधारण समर्पण और वफादारी के लिए जाने जाते थे और उन्होंने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। देखिए कंपनी के HR द्वारा लिखे गए ईमेल में लिखा है कि माइकल 1 नवंबर 2022 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परिवार का हिस्सा बन गए थे। तब से उनके महत्वपूर्ण योगदान ने उनके प्रभाव और बड़े पैमाने पर संगठन की वृद्धि और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच दूसरी पीड़िता की पहचान मुंबई की 29 वर्षीय महिला के रूप में हुई है जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट में प्राइवेसी बनाए रखने के लिए उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कहा गया है कि उनके पति अभी भी अस्पताल में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बता दें महिला की दोस्त ने कहा है कि उन्होंने फरवरी में मदीना में शादी कर ली थी। अपनी शादी के बाद वे अल नाहदा की इमारत में एक साथ रहने लगे थे जहाँ यह दुखद घटना घटी है। वही दुबई स्थित मीडिया ने महिला के दोस्त के हवाले से बताया है कि अभी डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। शनिवार रात को हमें बताया गया कि अगले 24 घंटे बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। रविवार दोपहर तक उन्होंने कहा कि उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है, हम सभी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वह भारत के वाणिज्यिक दूतावास ने कहा है कि दूतावास ने मृतक परिवार से संपर्क किया है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है। भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हम मृतकों के परिवारों के संपर्क में हैं और सभी आवश्यक सहायता प्रदान की है। हमने अस्पतालों का दौरा किया है और इलाज करा रहे हैं और अन्य लोगों से मुलाकात भी की है। हम उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो बता दें कि ये एक आवासीय इमारत में घटना हुई जिसमें 2 भारतीयों की मौत हो गई है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए यूए खबर पर।